यूपी के मैनपुरी लोकसभा सीट के साथ ही रामपुर और खतौली विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव के लिए मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है। मैनपुरी लोकसभा सीट पर 17,46,895 कुल मतदाता आज मतदान करेंगे। रामपुर विधानसभा सीट पर 3,88,994 मतदाता हैं। वहीं खतौली में 3,16,000 मतदाता वोट की चोट करेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और डिंपल यादव ने सैफई स्थित अभिनव विद्यालय में वोट डाला। शिवपाल सिंह यादव और पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव ने भी मतदान किया। इसके अलावा रामपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और उनकी पत्नी सीमा नकवी ने मतदान किया। रामपुर में निर्वाचन कार्यों की कंट्रोल रूम में के कर्मचारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बता दें कि तीनों सीटों पर सपा और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर है। कांग्रेस और बसपा ने इस चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारे ही नहीं और न ही किसी को समर्थन की घोषणा की।